गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम प्रियंका. आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एंड अ मेकअप आर्टिस्ट. सो आज की वीडियो में मैं नायका हॉल करने वाली हूँ. आई नो आई एम वेरी लेट. सो ये वीडियो बहुत पहले आने वाला था बट ड्यू टू टेक्निकल रीजंस आ नहीं पाया. सो आई ऑर्डर फ्यू स्टफ फ्रॉम मेकअप का, स्किन केयर, हेयर केयर, थोड़ी थोड़ी चुटमुट चीजें ली है मैंने. लेट स्टार्ट विद द हेयर केयर कैटेगरी. तो इसमें मेरे चार ही प्रोडक्ट्स हैं. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये सोल फ्लावर का हेयर सीरम. सो मैंने इसके काफ़ी सारे रिव्यूज भी देखे थे तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई. और इट इज़ नॉट दैट एक्सपेंसिव बट इसके रिव्यूज काफ़ी अच्छा है. आई डोंट नो इट्स पेड और नॉट. इट बूस्ट हेयर ग्रोथ एंड ऑल्सो रिड्यूसेस थिनिंग जो इनके क्लेम्स हैं. तो आई विल ट्राई इट एंड आई विल लेट यू नो ऑन माई इंस्टाग्राम. सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. जो बाकी की हेयर प्रोडक्ट्स हैं वो है एक ही ब्रांड से एंड आई नेवर थॉट कि मैं उनसे कभी बाय करने वाली हूँ बिकॉज मुझे कभी सूट ही नहीं किया था. बट हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट देम. सो द सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस ट्रेसेमे अल्टीमेट ग्लॉस. ये हेयर ग्लॉस है, हेयर सीरम है बेसिकली. सो इसकी मेरी ये वाली बॉटल मेरी पुरानी बॉटल है. जो न्यू बॉटल है वो मेरी मम्मा के पास है. शी लव्स इट टू मच. मैंने ट्रायल के लिए छोटा मंगवाया था. जो अब मैंने मंगवाया वो बड़ा साइज है बिकॉज इट वर्क सो वेल ऑन माई हेयर. मेरे हेयर बहुत फ्रीजी है, बहुत ड्राई है बट एज सुन एज आई अप्लाई दिस ये एकदम उनको टेम डाउन कर देता है, स्मूथ कर देता है, फ्रीज फ्री कर देता है. आई डोंट नो इस पर क्या है बट इट वर्क सो वेल फॉर मी, फॉर माई मदर, फॉर माई सिस्टर. सबके लिए बहुत अच्छे से काम किया. दैट्स वाई द बिगर बॉटल. आई विल हाईली 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 सजेस्ट यू ट्राई इट वंस. ये जितने भी हेयर सीरम है ना उससे बहुत बेटर. समय पे मेरा ट्रस्ट थोड़ा सा बढ़ रहा था तो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई टू देयर शैम्पू एंड मास्क. तो मैंने ये दोनों कॉम्बो मंगवा लिए थे, इकट्ठे मंगवाए थे. आई थिंक इन दोनों का कॉम्बो था एंड ये कुछ डिस्काउंट पर भी थे तो मैंने ये मंगवा लिया. एंड गाइज इट वर्क. मैंने इतने शैम्पू चेंज कर चुकी हूँ, प्रोफेशनल रेंज से लेके पता नहीं कौन से नेचुरल ये वो, बट दिस वर्क्स. और मुझे लगता था ये मेरे बालों पे नहीं वर्क करेगा बिकॉज आई नो फ्यू शैम्पूज लाइक डव और क्लिनिक प्लस ये कोटिंग कर देते हैं बालों पर एंड आई थिंक ये भी करता है बट इट जस्ट वर्क्स फॉर मी. सो आई थॉट लेट्स जस्ट अपना दिमाग कम लगाएं और अगर काम कर रहा है तो लेट्स यूज इट. ये काफ़ी अच्छे से मुझे मेरे बालों पे सूट कर रहा है एंड इसका मास्क इज टू गुड एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मास्क. बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत थिक नहीं है. ये थिक मास्क ना मेरे हेयर को लाइक वे डाउन कर देता है एंड इट डजंट वर्क फॉर मी. सो ये काफ़ी थिन है बट इट वर्क्स फॉर मी सो वेल. ट्रेसेमे की ये कुछ प्रोडक्ट्स ने ना मेरी और ट्रेसेमे की बॉन्डिंग चेंज कर दी है बिल्कुल. मूविंग ऑन टू बॉडी केयर. जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है रोल ऑन. इट्स फ्रॉम केमिस्ट एट प्ले. अंडर आर्म रोल ऑन 5% AHA. मुझे इतना रोल ऑन चाहिए था, मेरा पहले वाला खत्म हो गया था. आई वॉज यूजिंग दैट प्लम वाला. तो इट इज़ गुड बट आई वॉन्ट समथिंग जो फ्रेगरेंस फ्री हो एंड इट इज़ फ्रेगरेंस फ्री एंड इट वर्क्स वंडर्स. मतलब आप सुबह लगाओ शाम तक यू विल फील फ्रेश, यू वॉन्ट बी अ स्मेली कैट. ये काफ़ी अच्छा काम करता है एंड आई थिंक इट्स अ रियली गुड परचेज. अगर आपको फ्रेगरेंस फ्री रोल ऑन लेना है तो डेफिनेटली चेक दिस आउट. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टू प्रोडक्ट्स. आई हैव ऑर्डर टू परफ्यूम्स, मिनी परफ्यूम्स फ्रॉम प्लम. ये है स्मोकिंग वनीला एंड दिस वन इज डू योर ब्लिंग रेड कार्पेट लक्स एडिशन. ये इनका कुछ एडिशन चल रही थी. मैं ना हमेशा मिनी परफ्यूम्स लेती हूँ, अगर मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं उनका बड़ा साइज बाय कर लेती हूँ सो दैट मेरा वेस्ट ना जाए. ऐसे मेरी वैनिटी में मैं ऐसा कुछ ना पड़ा हो जो मैं यूज़ ना कर सकूँ. सो आई लाइक दिस स्मोकिंग वनीला. आई लाइक दिस बट आई लाइक द ओरिजिनल वनीला मोर. मतलब ठीक लगा मुझे ये बेसिकली. आई वॉन्ट मोर वनीला, आई लाइक मोर वनीला स्वीट फ्रेगरेंसेस. तो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आया. स्वीट है बट हल्का सा इसमें वुडी नोट भी है. ऑन द अदर साइड दिस वन स्मेल्स वेरी फ्लोरल. इसमें ट्यूलिप्स हैं, रोज, वनीला माई फेवरेट. सो इट्स अ वेरी यूनिक फ्रेगरेंस. तो अगर आपको प्लम में से कुछ ट्राई करना डेफिनेटली ट्राई दिस वन. इट्स रियली नाइस इफ यू लाइक फ्लोरल्स एंड स्वीट फ्रेगरेंसेस. तो ये काफ़ी अच्छा है. नेक्स्ट आई गॉट दिस मिनी ट्रेवल पैक शैम्पू एंड सीरम फ्रॉम प्लम. ये मुझे फ्री मिला था मेरे परफ्यूम के साथ. नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस फेशियल रेजर्स. ये सिरोना से हैं एंड दिस वन
these razors are the best. I have used so many of them. मतलब हर एक कंपनी के हर एक ब्रांड के मैं यूज़ कर चुकी हूँ, बट मैं इसी को दोबारा बाय करती हूँ क्योंकि they are so good. They are sharp, but बहुत sharp नहीं कि आपकी skin कट जाए. They are very handy. इसकी जो shape है that works for me. And एकदम जो भी peach fuzz है जो भी है वो बहुत अच्छे से निकाल देता है. Moving on to skin care. I only got one serum and few sunscreens. The first one is this Beauty of Jasmine serum. It's glow deep serum. I am facing a lot of pigmentation right now, so मैंने इसके बारे में थोड़ा research किया है. I want to try some Korean skin care because अभी तक it's very trending, right? So मुझे भी करना था. I want to get on the trend and try Korean skin क्योंकि मेरी skin बहुत time से मतलब डील कर रही है विद एक्ने. यही मतलब काफ़ी टाइम से पिगमेंटेशन हुई जा रही है और एक्ने आ जा रहा है, तो एक्ने के लिए मैंने काफ़ी कुछ यूज़ किया बट उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ा. देन आई ट्राई दिस, आई एम स्टिल ट्राइंग दिस. इसका रिव्यू मैं ये पूरी बॉटल ख़त्म होने के बाद ही दूंगी, सो स्टे ट्यून, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. जल्दी देंगे ये बॉटल ख़त्म हो जाए. अगर इट वर्क्स तो आई विल बाय अनदर बॉटल. अभी के लिए मेरे पास इसके बारे में कहने को कुछ नहीं. नेक्स्ट फ्यू प्रोडक्ट्स आर सनस्क्रीन्स. कुछ सनस्क्रीन्स देख रही थी, कुछ ऑफर्स पर थी, तो आई गॉट दिस नेचर एसेंस सन बैन. तो ये मैंने मंगवाई है एक, आई हैवंट यूज्ड इट येट. एंड ये है बुटीक की एलोवेरा सनस्क्रीन. ये बेबी के लिए, और मैंने जब ये आई तो मुझे पता लगा कि ये बेबी के लिए, मैंने पढ़ा ही नहीं था. तो अभी ये मुझे किसी बेबी को देना पड़ेगा. क्वेंच की टेंटेड सनस्क्रीन. आई हैव यूज द नॉर्मल सनस्क्रीन, इट्स ग्रेट. तो आई थॉट कि लेट मी ट्राई दिस वन क्योंकि फाउंडेशन लगाना गर्मी में एक टास्क हो जाता है, मन नहीं करता फाउंडेशन लगाने का. तो और उसके साथ ही आई ऑर्डर दिस फॉक्सटेल की टेंटेड सनस्क्रीन. आई एम फाइंडिंग माई राइट टेंटेड सनस्क्रीन. जिस दिन मुझे मिल गई ना, आई विल मेक अ डील ऑन इट एंड उसको वायरल होना पड़ेगा. आई वोंट गिव अ फुल रिव्यूज ऑन दीज, सो उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा. मुझे ये पूरी ख़त्म करनी है, ये भी पूरी ख़त्म करनी है, सो दैट आई नो इट वर्क्स फॉर मी और ये मेरी जैसी स्किन टाइप के लिए या स्किन टोन के लिए वर्क करती है कि नहीं. आई विल टेल यू सून. नेक्स्ट कैटेगरी इज मेकअप. मैंने बहुत टाइम बाद मेकअप लिया है. लाइक ऑल द मेकअप जो अभी तक आ रहा था दैट वॉज पी आर या फिर जो मेरी वैनिटी में चाहिए होता था, बेसिकली मेकअप वैनिटी में प्रोफेशनल मेकअप के लिए वो लेती थी. इस टाइम मैंने बस ऐसे चुटपुट चीज़ें ली हैं जो मैं खुद के लिए ली है. द फर्स्ट टू थिंग्स आर कंसीलर. सो पहला मैंने ये इनसाइड का कंसीलर लिया है इन अ डार्कर शेड सो दैट मैं इससे कलर करेक्शन कर पाऊँ. मुझे रेड और ऑरेंज करेक्टर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती तो मैं डार्कर शेड से काम चला लेती हूँ. तो ये है शेड MN35 और इट वर्क्स रियली गुड. इट इज़ अफोर्डेबल बट इट वर्क्स गुड. सो मैंने इसके भी काफ़ी रिव्यूज़ देखे थे तो आई थॉट कि लेट्स, मेरा ना वैसे भी डार्कर शेड ख़त्म हो जाता है जल्दी, तो मैंने ये वाला ले लिया एंड इट इज़ अ रियली गुड परचेज. सेकेंड वन इज़ दिस के ब्यूटी का कंसीलर. आई लव दिस कंसीलर अ लॉट. ये मेरी थर्ड बॉटल है और इट इज़ वेरी लाइट ऑन स्किन. मतलब फील ही नहीं होता कि आपने कंसीलर लगाया. ये बेसिकली मैं अपनी हाइलाइटिंग के लिए यूज़ करती हूँ. आई नीड छोटू मोटू अमाउंट बट इट गोज़ रियली लॉन्ग वे. इस वाली बॉटल में थोड़ी सी खाली बॉटल आई मुझे, आई डोंट नो व्हाई. कुछ तो पैकेजिंग का इशू है इसमें बट आई लव दिस कंसीलर लॉट तो मुझे लेना ही था. नेक्स्ट प्रोडक्ट is a compact. It's from Forever 52. I was finding a compact जो मैं regular use कर पाऊँ and I use MAC का compact on daily basis but वो थोड़ा expensive पड़ जाता है. I was finding a cheaper version and I found this. I've used this. It's a quite nice compact और इसका shape भी perfectly मुझसे match हो जाता है. I have used so many compacts वो oxidize हो जाते हैं मुझ पर but I have used this one. ये इतना oxidize नहीं हो रहा है. I just hope I have found the perfect match for me. So अभी मैं इसको थोड़ा सा time दे रही हूँ और कहीं ये time के साथ oxidize ना हो जाए. So far it is working good for me and I'm happy for this purchase. We are at the end of this haul and I have only two products from the same brand. I was eyeing on this product
फॉर सो लॉन्ग. मुझे था कि लूँ ना लूँ, मैंने हर एक सेल में इसको घाटे में तो डाला है बट लिया नहीं था. दिस टाइम आई बॉट दिस क्योंकि मैंने इसके प्लस एंड माइनस रिव्यूज़ देखे थे. आई वॉज लाइक ओके लेट मी जस्ट टेस्ट इट माई सेल्फ ओनली. क्या पता अच्छा निकले, क्या पता ठीक निकले, कोई बात नहीं, एक खुद को सेटिस्फेक्शन तो हो जाएगी ना. तो जो मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए हैं वो है ये एल्स का हेलो ग्लो लिक्विड फिल्टर एंड द सेकेंड वन इज दिस पावर ग्रिप प्राइमर. सो आई एम स्टिल ट्राइंग दिस आउट. अभी इसके और मेरे कनेक्शन इतने क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक. बट OMG दिस प्राइमर ये कहाँ था अभी तक, मैंने ये क्यों नहीं लिया. इट वर्क सो वेल फॉर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, किसी भी स्किन के लिए. आपका मेकअप हिलता नहीं है इस प्राइमर से एंड आई लव दिस सो सो मच. मेरी ऑयली स्किन एंड समर्स में तो मेरा मेकअप टिकता ही नहीं है जो मर्जी लगा लूँ मैं, बट इसके साथ इट स्टेज फॉर अ रियली गुड टाइम. और आई हैव यूज इट यहाँ तक मैं यूज़ कर चुकी हूँ. जो भी मैं अभी लुक्स कर रही हूँ, इवन आज का मेकअप आई यूज दिस. मैं इसको नीचे रख ही नहीं पा रही हूँ. आई एम यूजिंग दिस कॉन्टिन्यूसली एंड अगली सेल पर भी ये मैं लेने वाली हूँ डेफिनेटली. ये मैं अपनी प्रोफेशनल वैनिटी में भी डालने वाली हूँ. इट इज दैट गुड एंड दैट्स ऑल फॉर द हॉल गाइज. आई होप यू लाइक दिस हॉल एंड माई छुटकू मुटकू रिव्यूज ऑल्सो. एंड फॉर मोर ऑनेस्ट रिव्यूज एंड मेकअप वीडियोज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो. वट यू वॉन्ट टू सी नेक्स्ट कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम. बाय.